ये क्वेश्चन पूरा कल होगा, अभी इसका 50% पार्ट करेंगे हम। ठीक है, 50% क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा। मन की पूरा ही कर लेते हैं, टाइम लगेगा लेकिन कर लेते हैं। चलिए करिए। आपके सामने फंक्शन है और कुछ नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो फाइंड कर लेंगे सर। रीजन उसके बारे में बाद में बात की जाएगी, बाकी इसकी शक्ल देख लीजिए। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के सिंपली मींस एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, माइनस के एन के। तो राइट नाउ एक्स इज लाइंग बिटवीन -3/2 + 3/2, वाई इज लाइंग बिटवीन -3/2 + 3/2। तो ये आपका पोर्शन है। हाँ, कल टेस्ट सीरीज में था ये, था था। तो ये आएगा आपका, दिस इज वाई इक्वल टू 3/2, है ना, माइनस लिख दिया था कल। दिस इज एक्स इक्वल टू 3/2 1.5 एंड दिस इज एक्स इक्वल टू -3/2। भाई आपको जो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इधर निकालना है, सबसे पहला काम आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने का करेंगे। इस रीजन में आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, करिए। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, मीठा चैलेंज। एटलीस्ट आप लोगों को तो करना चाहिए, कल आपने क्लास भी किया था। आओ भाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखेंगे। इट इज 4y -3x²y + y³। ये सॉल्व करना में ही पसीने छूट जाएंगे आपके। ऐसे ही यहाँ 4x - x³ + 3xy²। ठीक है, ये आएगा पार्शियल डेरिवेटिव। जब इसको जीरो से इक्वेट किया आप लोगों ने तो आपको मिला, भाई जरा ध्यान लगाइए इधर, जब इसे जीरो से, वहां से तो कुछ सिर पैर नजर आ नहीं रहा सिवाय इसके कि y जीरो और दिस एक्सप्रेशन इज जीरो, अजीबो गरीब एक्सप्रेशन। हाँ जी, दिस इंप्लाइज x इंटू 4 - x² + 3y² = 0। हाँ जी, तो जो थोड़ी देर पहले आपने अलजेब्रा लगाया था, सो दिस इंप्लाइज या तो ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा, y जीरो और बोलिए 4 - 3x² + y² = 0। यहाँ से क्या मिलेगा आपका, हाँ जी, x से 0 और वही कल वाली क्लास, हाँ जी वही पिछला क्वेश्चन का एबीसीडी। एबीसीडी दिस इज ए और बी, है ना, दिस इज सी और डी। तो कैसे केसेस बनाएंगे, ए के साथ आपका सी है, ए के साथ डी है, या बी के साथ सी है, बी के साथ, चार आपके पॉइंट्स आएंगे। पहले इतना करिए आप, इसको कंप्लीट कीजिए पहले, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल, स्पेशल क्वेश्चन। अच्छा यहाँ माइनस कर लो, थोड़ा सा चेंज है भाई, जरा सा चेंज है, कोई बात नहीं, इधर माइनस कर लीजिए, सॉरी माई मिस्टेक। देखें जरा कहाँ चेंज आएगा, यहाँ आएगा माइनस, थोड़ा सा साथ दो भाई, थोड़ा सा साथ दो बस, इधर माइनस आना है तो ये माइनस हो जाएगा,
ये माइनस हो जाएगा, और इधर भी कुछ चेंज है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है जी, थैंक गॉड बच गए, समय से बच गए। सो दिस इज माइनस माइनस ठीक है ना, तो a के साथ c है तो x y जीरो के साथ x जीरो, y इक्वल टू जीरो अलोंग विद x इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज जीरो जीरो इज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब a के साथ अगर d लेंगे तो वैसे भी रोएंगे और वैसे भी रो ही रहे हैं, सो फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ये y इक्वल टू जीरो इसमें पुट कीजिए तो x का वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस टू, x का वैल्यू प्लस माइनस टू है और y का वैल्यू जीरो, तो क्या पॉइंट्स आए आपके भाई, एक पॉइंट आया टू जीरो, अगला पॉइंट आया माइनस टू जीरो, मेहनत गई बेकार, बेकार हो गई। ये x इक्वल टू 1.5 है भैया, और ये दिख रहा है आपको x इक्वल टू प्लस माइनस टू तो बाहर चला जाएगा ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपके काम के नहीं है। तो a के साथ c वर्किंग, a के साथ d नॉट वर्किंग, नाउ लेट अस सी b के साथ c क्या आएगा, सो b के साथ c का मतलब 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू जीरो अलॉन्ग विद x इक्वल टू जीरो, जैसे ही आपने x को इसमें जीरो पुट किया अगेन y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस टू, भाई क्लियर हो गया आप लोगों को, तो क्रिटिकल पॉइंट्स किसी काम के नहीं है, जीरो टू जीरो माइनस टू ये भी बाहर है। अब तो आखिरी का ही सहारा है, आखिरी केस का। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग समथिंग, आर यू डूइंग समथिंग, नॉट डूइंग, ये लास्ट वाला सॉल्व करना पड़ेगा आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो अभी आपके काम का सिर्फ जीरो जीरो पॉइंट है। हाँ जी आइए जरा सॉल्व करें इसको, देखिए कुछ मिलता है, कल करवाया था आपको वैसे जब टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो रहा था, ये सॉल्व क्यों भाई, यहाँ तक पहुंच गए आप लोग। सो पहला बनेगा आपका 4 इक्वल टू सात दो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकंड बनेगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, तो जब ये दोनों चार के बराबर है तो आपस में भी बराबर ही आएंगे, सो दिस मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट का जलवा देखा था क्यूबिक में फोर्थ डिग्री में, अब यहाँ देख लीजिए। हाँ जी तो दिस इज सॉरी 2x square is 2y square, that means x square equal to y square. अगर कोई बच्चा इसको x में सॉल्व करेगा यानी quadratic in x मान के सॉल्व करेगा तो x equal to plus minus y mod में, और अगर quadratic in y मान के सॉल्व करेंगे तो y equal to plus, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दुनिया को पड़ता है जिनको क्लैरिटी के साथ काम करना है, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब एग्जैक्टली वैल्यूज क्या आएंगी, देखो x square को y square से रिप्लेस करके वापस इसी में डालिए, है ना, कुछ मिल जाएगा शायद आपको, यस आई एम सेइंग ये रिप्लेस करके इसमें डालिए जरा वापस, सॉरी देखे जरा क्या मिला, ओके यस 4 इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी एक्स स्क्वायर ही है, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो x कितना आ गया आपका प्लस माइनस 1। अब भाई जरा y बताएंगे आप, y आपने बोला था प्लस माइनस मॉड x, जरा अच्छे से देख लो, अगर x का वैल्यू अपने, हाँ जी x का वैल्यू 1 लिया है, अगर x का वैल्यू 1 लिया है यहाँ से तो y क्या बनेगा आपका प्लस में मॉड x यानी प्लस में 1, माइनस में मॉड x यानी माइनस में 1। इसी तरीके से x का वैल्यू अगर आपने माइनस, देख लीजिए अच्छे से ये परेशानी है, चार पॉइंट्स आ रहे हैं ना, यू नो सो वेल यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। तो एक्स अगर प्लस माइनस वन है तो वाई क्या क्या हो सकता है, इधर से वन, यहाँ से माइनस वन, उधर से वन, इधर से माइनस वन, तो क्या क्या पेयर बनेगा, जादूगरी वाला पेयर, यस। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर वन के साथ वन है, वन के साथ माइनस वन है, और बोलिए माइनस वन के साथ वन, माइनस वन के साथ माइनस वन, चार पॉइंट्स आ गए, चार ये और पांचवा ये जीरो जीरो तो था ही, करो यहाँ तक कंप्लीट करो पहले, क्या ये पॉइंट्स आपके रेक्टेंगुलर रीजन में लाई कर रहे हैं चारों, वो तो 1.5 वाली बाउंड्री थी, 1.5 के तो अंदर ही बैठे हैं सारे।
हाँ जी आइए, पॉइंट्स ए बी सी क्या क्या पॉइंट्स हैं? पांच पॉइंट्स, 0 0, 1 -1, -1 1, 1 -1, पहले प्लस से शुरू करते हैं फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके साथ आपको कल कुछ और चीजें भी बताई जाएंगी, आज के लिए तो इतना काफी है, पॉइंट्स निकालने में इतना काफी है। आओ भाई जरा, व्हाट इज दिस डबल डेरिवेटिव, कितना आ रहा है आपका? एफ एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स में करना है ना, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, एक्स का वाई में 4, ओके ठीक है भाई, कैलकुलेशन बता देना। वाई का वाई में 4, चेक कर लीजिए पहले, कम से कम आप ही कर लो, तो सारा सॉल्यूशन पलटना पड़ेगा। हाँ जी वैल्यूज ठीक है, केयरफुली देख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी 0 0 पे तो ये 0 है, ये भी 0 है और ये 4 है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो सेटल पॉइंट। भाई ऐसे देखिए बीच में बात नहीं कीजिए, कोई फायदा नहीं है, अभी भी नहीं लर्न करेंगे तो क्या करेंगे। 1 1 पे ये आपका माइनस सिक्स है, 1 -1 पे 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, और ये माइनस का 6 है, बढ़िया, ये तो 4 ही रहेगा हमेशा, सॉरी ये चेंज करेगा वैल्यू भाई, 0 0 पे 4 था, 4 -6 -2, सब पे वही है क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है, तो 4 -6 -2, बढ़िया। जब इधर आ जाइए 1 1 पे, दिस इज अगेन, ये तो एक ही तरह ही है, सो -6 6 6 एंड -9, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आ रहा है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी, ये भी पॉजिटिव है। आपको मिनिमा निकालना था, तो मिनिमा के लिए आपको ए को नेगेटिव देखना है, नेगेटिव में मैक्सिमम पॉजिटिव देखना है, प्लस एट किस पॉइंट पे आ रहे हैं? 1 -1 और दूसरा लोकल मिनिमा एट -1 1, तो इन दोनों पे वैल्यू निकालेंगे आप, देखेंगे सेम वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, 2 या -2, ये -4 हो गया, ये +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, -2 आ रहा है, दोनों पे सेम वैल्यू आएगा -2, सो लेट मी राइट। तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन था लेकिन आराम से हो गया, रेस्ट्रिक्शन दिया था इसने फिर भी हो गया।